किया गया है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और देश भर की पंचायतों से मेरा आग्रह है कि आप वेबसाइट पर जाकर के जिनका सम्मान हुआ है, जिनको अवार्ड मिला है, उसकी जानकारी जरूर प्राप्त करें। किस बात को लेकर के उनको ये सिद्धि मिली है, उनका गौरवगान करें। साथियों, ये कोरोना वैश्विक महामारी ने वाकई हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है। पहले हम लोग किसी कार्यक्रम में रूबरू मिलते थे, आमने सामने मिलते थे, बातें करते थे, लेकिन आज वही कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना पड़ रहा है। इस वक्त देश भर के लाखों सरपंच और पंचायत सदस्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज अनेक पंचायतों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार भी मिले हैं। पुरस्कार विजेता सभी पंचायतों को, जनप्रतिनिधियों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, और उस गांव वालों को भी बधाई। साथियों, पंचायती राज दिवस गांव तक सुराज पहुंचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का एक अवसर होता है। और कोरोना संकट के इस दौर में इस संकल्प की प्रासंगिकता तो अनेक गुना बढ़ गई है। ये सही है कि कोरोना महामारी ने हमारे लिए अनेक प्रकार की नई नई मुसीबतें पैदा की है, जिन मुसीबतों को न कभी सोचा था, न कल्पना की थी, न कभी कोई सोच सकता है, ऐसी ऐसी मुसीबतें। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस महामारी ने हमें एक नई शिक्षा भी दी है, एक नया संदेश भी दिया है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। साथियों, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है, और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है, इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। भारत में ये विचार सदियों से रहा है, लेकिन
आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। हमारे देश की ग्राम पंचायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। साथियों, इसी सोच के साथ सरकार ने पंचायती राज से जुड़ी व्यवस्थाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है, वरना 5-6 साल पहले एक दौर वो भी था जब देश की 100 से भी कम पंचायतें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़ी थी। आज 1.25 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, गांवों में कॉमन सर्विस सेंटरों की संख्या भी 3 लाख को पार कर रही है। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है उसी का नतीजा है कि आज गांव गांव तक कम कीमत वाले स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। ये जो आज इतने बड़े पैमाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, लाखों लोग जुड़े हैं, इसमें इन सारी बातों का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए शहरों और गांवों में दूरी को कम करने के लिए आज सरकार द्वारा 2 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही है उसमें आपने देखा है, एक है ई ग्राम स्वराज और दूसरी ऐप की विशेषता है हर ग्रामवासी के लिए उसमें स्वामित्व योजना की शुरुआत। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज, ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। अब अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग काम करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसा अभी बताया गया, इस पोर्टल पर, इस ऐप पर पंचायत के विकास कार्य की डिटेल, उससे लेकर के उसके लिए तय किए गए फंड, उस फंड का कहां खर्च हुआ उसकी भी जानकारियां, ये सारी बातें उसमें उपलब्ध रहेगी। इसके जरिए गांव का कोई भी नागरिक अपनी ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, क्या कामकाज हो रहा है, काम कहां तक पहुंचा है, सारी चीजें अपने मोबाइल पर से जान पाएगा, जानकारी रख पाएगा। इससे
ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, रिकॉर्ड रखने का काम भी बहुत सरल हो जाएगा और प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर कंप्लीशन की प्रक्रिया भी तेज होगी। आप कल्पना कर सकते हैं, ई ग्राम स्वराज के माध्यम से आप सभी को कितनी बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। साथियों, गांवों में प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप सभी भली भांति जानते हैं। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का एक मालिकाना प्रमाण पत्र यानी टाइटल डीड दिया जाएगा। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं, अनेक लाभ होंगे। पहला तो यह कि प्रॉपर्टी को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इससे गांव में विकास योजनाओं की बेहतर प्लानिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी। इसका एक और बड़ा लाभ यह होगा कि इससे शहरों की ही तरह गांव में भी आप बैंकों से लोन ले सकते हैं, लोन लेने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं जो जीवन में बहुत काम आ सकती है। साथियों, अभी यानी फिलहाल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र के 6 राज्यों में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर प्रारंभ कर रहे हैं और जब काम करेंगे तो अनुभव आएगा, उसमें कमियां क्या है वो ध्यान में आएगी, गलतियां क्या है वो ध्यान में आएगी और उसको ठीक करना होगा। और जब ठीक हो जाएगी, उसका सुधार हो जाएगा, उसके बाद ये योजना हिंदुस्तान के हर गांव में लागू की जाएगी। साथियों, कभी कभी मुझे लगता है कि जीवन की सच्ची शिक्षा की कसौटी, उसकी परीक्षा संकट के समय ही होती है। अगर आप प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में है, चारों तरफ से संभले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो आप में सामर्थ्य है कि नहीं इसका पता ही नहीं चलता। बहुत देखरेख भरे माहौल में सच्ची शिक्षा का पता कभी नहीं चलता, सच्चे सामर्थ्य का भी पता नहीं चलता है। इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांव में रहने वाले लोग, भले ही उन्होंने बड़ी बड़ी और नामी यूनिवर्सिटी में शिक्षा न ली हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने, मतलब आप सब ने, अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं की शिक्षा के अद्भुत दर्शन कराए हैं। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। मेरे साथियों, ये काम आपने किया है, आपके गांव के प्रत्येक नागरिक ने किया है, माताओं बहनों ने किया है, मेरे आदिवासी भाई बहनों ने, खेत खलिहान में काम करने वालों ने, फसल कटाई और बुआई में जुटे साथियों ने, देश को प्रेरणा देने वाला अद्भुत काम आपने किया है
और इसलिए मैं हिंदुस्तान के हर गांव को, हर गांववासियों को प्रणाम। करता हूं, आप सभी ने दुनिया को बहुत सरल शब्दों में मंत्र दिया है और मैं मानता हूं हमारे देश के हर कोने में आपका दिया हुआ यह मंत्र बहुत काम आएगा। आपने बड़े सिंपल शब्दों में कह दिया, न सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द प्रयोग किया, न लॉकडाउन का शब्द का प्रयोग किया, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, दो गज दूरी का, या कहें दो गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। दो गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं, किसी संभावित संक्रमण से खुद को बचा रहे हैं, और ये आपके ही प्रयास है कि आज दुनिया में चर्चा हो रही है कि कोरोना को भारत ने किस तरह जवाब दिया है। साथियों, इतना बड़ा संकट आया, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन इन दो तीन महीनों में हमने ये भी देखा है कि भारत का नागरिक सीमित संसाधनों के बीच अनेक कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उसे टकरा रहा है, लोहा ले रहा है। ये सही है कि रुकावटें आ रही हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन संकल्प का सामर्थ्य दिखाते हुए, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए, नए नए तरीके खोजते हुए देश को बचाने का और देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। साथियों, इन परिस्थितियों में गांवों में जो हो रहा है उसकी मैं अलग अलग स्रोतों से निरंतर जानकारी ले रहा हूं। आज मैं आप में से भी कुछ साथियों को सुनूंगा, बातें करूंगा, कोरोना के दौरान हुए अनुभवों और आपके सुझावों के बारे में